वेलकम गाइस, क्या करें अगर एम्प्लॉयर आपका पीएफ काट ले और आपके पीएफ के अकाउंट में उस पैसे को डिपॉजिट ना करवाए, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? आज हम इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हुए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि अगर एम्प्लॉयर आपका पैसा डेबिट कर ले तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमें बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड होता है कि कंपनी में जॉब करते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जॉब करते हैं, वो उनका पीएफ जो है वो तो डेबिट कर लेता है, बट जब वो अपनी पासबुक चेक करते हैं तो उसमें वो अमाउंट शो नहीं करती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि अगर कंपनी आपका पीएफ डेबिट कर रही है और डेबिट करने के बाद अगर वो डिपॉजिट नहीं करवाती, तो उस कंडीशन में कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि अगर वो 2 महीने से लेकर 4 महीने तक अगर आपकी पेमेंट को लेट करती है तो उन्हें 10%, अगर 4 महीने से 6 महीने तक अगर उन्होंने आपकी पेमेंट को लेट किया तो 15%, और 6 महीने से अगर ऊपर हो चुका है और उसने सरकार को जो है, मतलब पीएफ डिपार्टमेंट को अपना जो कंट्रीब्यूशन है, जो आपका कंट्रीब्यूशन आपसे डेबिट किया था, वो अगर डिपॉजिट नहीं करवाती है तो उसको उस अमाउंट का 25% जो है इंटरेस्ट के रूप में पे करना पड़ता है, और जितने दिन वो लेट करता है आपकी पेमेंट को आगे जमा करवाने में, उतने दिनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उस कंपनी को ईपीएफओ डिपार्टमेंट में जमा करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में आपका कोई भी लॉस नहीं है, जो जितना भी लॉस होगा वो टोटली कंपनी का होगा कि उसने आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो तो डेबिट कर लिया बट आगे डिपॉजिट नहीं करवाया। तो इसलिए इस टॉपिक में आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका पीएफ डेबिट नहीं हो रहा है तो आप कंपनी से फॉर्म 12 मांग सकते हैं, 12 नंबर फॉर्म मांग सकते हैं, जिसमें कि ये दिखाया जाता है कि आपका जो पैसा है वो ईपीएफ डिपार्टमेंट में चला गया। ये एक रसीद होती है, लेकिन बहुत सारी कंपनियाँ इस रसीद को प्रोवाइड करवाने में आनाकानी करती हैं। तो उस बारे में जानने के लिए कि आपका पैसा जमा हुआ है या नहीं, तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप जो है अपनी पीएफ की पासबुक है वो पर मंथ चेक किया करो। मतलब आपने अपनी जो पीएफ की पासबुक है वो हर महीने आपने ज़रूर से ज़रूर चेक करनी है। तो यहाँ पर देखिए, पीएफ की जो पासबुक है वहाँ पर अगर मैं लास्ट वाला कंट्रीब्यूशन दिखाऊँ तो ये है 9वां महीना 2018 को 954 रुपीज़ का जो है वो डेबिट हुआ है। और ऐसे आप अपनी पासबुक को हर महीने चेक कीजिए और आप मंथ बाई मंथ चेक किया करो कि आपकी जो पेमेंट है वो डिपॉजिट हो रही है। अगर आपको लगता है कि जो आपकी पेमेंट है वो डिपॉजिट नहीं हो रही है, तो आप कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करें या कंपनी को बताएं कि मेरा जो बैलेंस है वो मेरी पासबुक में शो नहीं कर रहा है। और अगर इसके बावजूद भी कंपनी आपकी बात सुनने के लिए मना करती है, या आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हो रहा है और आपका पैसा जो है ईपीएफ डिपार्टमेंट में जमा नहीं किया जा रहा है, तो इस केस में आप जो है लीगली एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। क्योंकि सरकार का ये कहना है कि अगर कोई कंपनी जो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं जमा करवा पा रही है, तो कम से कम उसको वो अमाउंट तो जमा करवानी चाहिए जो कि वो अपने लेबर, अपने एम्प्लॉयज से डिडक्ट कर रहा है। कि मतलब जो पैसा वो आपसे ले रहा है, कम से कम उतनी अमाउंट तो उन्होंने उसको पीएफ डिपार्टमेंट में पे करनी चाहिए। अगर उसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं करता है, तो यहाँ पर आपको बिना झिझक किए हुए पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए, क्योंकि इसके अंडर रूल है 406 और 409 सेक्शन के अगेंस्ट। अगर आपका कोई एम्प्लॉयर आपके पीएफ को जमा नहीं करवाता है, तो इस केस में उसके ऊपर जो है FIR फाइल की जाती है। ये सरकार का नियम है, और आप इसके बारे में बेझिझक होकर किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताजो कि मैं ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहूँ। थैंक यू।